ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नवंबर के पहले 10 डेज के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि 1 नवंबर से 10 नवंबर के लिए होगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की, और उसके बाद हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, प्लस आपके पार्टनर का एक लव मैसेज भी निकालेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और जितनी रेजोनेट हो फ्रेंड्स उतनी ही लीजिएगा। रेस्ट बाकी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा, ठीक है। तो निकालते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ। ओके सो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, किस एनर्जीज में हैं फ्रेंड्स आप, आइए देखते हैं, आपकी एनर्जीज निकालते हैं। सबसे पहला 6 ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स आपकी एनर्जी में। देन वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, देन 7 ऑफ कॉइन्स, द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक आप इस लव एंड रिलेशनशिप में थोड़े से पीछे डिस्प्यूट्स वगैरह झेल रहे हैं, या हो सकता है अभी भी फिलहाल भी चल रही हो चीज़ें कुछ इस टाइप की, जिस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं। बट अब आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए अपनी तरफ से, पुरानी चीज़ों को भूल कर नया, जैसे कहते हैं ना, एक नया अध्याय की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे तो आप सोच रहे हैं क्यों ना आप उनसे बात करके चीज़ों को ठीक कर लें, क्यों ना आप अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले लें। तो अच्छी फीलिंग्स में हैं आप पॉजिटिव फीलिंग्स में। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है आप उन्हें कुछ ऑफर करना चाहते हैं अपनी तरफ से उन्हें। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर परिवार देखते हैं, हो सकता है आपके परिवार का हिस्सा हो आप, उनके साथ लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं। तो अच्छी फीलिंग्स हैं फ्रेंड्स आपकी, और आप शायद यही चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। द मैजिशियन के साथ दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ की पेंटिंग में कलर्स भरें। जैसे इस पिक्चर में ये सारे ब्रशेस लेके खड़ी है और ये कुछ पेंट करना चाहती है, तो जैसे लाइफ को पेंट करना चाहते हैं। तो वृश्चिक राशि आपकी कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ब्यूटिफुल सी क्यूट सी एनर्जीज हैं आपकी, मतलब आप अच्छी एनर्जीज में हैं। नेक्स्ट अब आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देख लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो भी ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जीज में हैं या वो किसी डिफरेंट एनर्जीज में हैं। ओके सो नेक्स्ट है आपके पार्टनर का 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द सन, द हर्मिट एंड द हैंगमैन। मे बी वो कोई डिसीजन फिलहाल ले नहीं पा रहे अभी फ़िलहाल, वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं चीज़ें, अभी शायद प्लानिंग स्टेज में है। बट येस, वो भी आपकी तरफ बढ़कर आगे, अभी थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस, अभी शायद वो चीज़ों को इतनी जल्दी आपको बताना नहीं चाहते, बट वो आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आपको अपने लव का, जैसे कहते हैं, कप आपको देना चाहते हैं। बट येस, थिंग्स आर स्लो नाउ, थिंग्स आर नॉट मूविंग दैट फास्ट। शायद वो किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, शायद और भी चीज़ें उनकी लाइफ में, काम है या कुछ है, या वो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, मे बी ट्रैवलिंग है उनके कार्ड्स में फ़िलहाल, वो आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं कि कैसे, अभी तक तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, अभी से नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाए। आपके में भी कुछ इसी तरह से आया था कि आप भी शायद नेक्स्ट लेवल लेके जाने के बारे में ही सोच रहे थे, उनके में भी कुछ इसी तरह से आया है स्कॉर्पियो राशि। तो कार्ड्स आपके भी और उनके भी, दोनों के ही अच्छे कार्ड आए हैं। नेक्स्ट डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं, डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, आइए। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कोई एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट करना है, वही आपसे डिवाइन कह रहे हैं। और उसके लिए शायद चीज़ों को कंक्लूड तो आपको ही करना पड़ेगा ना, स्टेप्स तो आप ही को लेने पड़ेंगे, पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी यही सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे, वो भी आपके लिए ग्रोथ देखते हैं।
तो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल आप ही को लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं एक मैसेज निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, उनकी तरफ से एक लव मैसेज देखते हैं क्या है। सीक्रेट एडमायरर, तो समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो हो सकता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपर फीलिंग्स हो, बट वो आपको बताते ही ना हो। वही चीज़ आई थी ना कि वो हैंगमैन बने पड़े हैं और आपको चीज़ें बता ही नहीं रहे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि क्या ऐसा है, क्या क्यों वो आपको चीज़ें क्यों नहीं बता रहे, ऐसा क्या सीक्रेटिव लव आप दोनों के बीच में चल रहा है। तो स्कॉर्पियो राशि चीज़ों को तो आपको ही, बादलों को तो आप ही को हटाना पड़ेगा ना बीच में से, ठीक है। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और रीडिंग को लाइक करें, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।